क्या वेलकम बैक टू रिच चैनल सो इस वीडियो में ये वर्ल्ड ऑफ़ विमेन जो एन हैं इन्होंने एक नया कलेक्शन लॉन्च किया है 22,000 नई एन लॉन्च किया है तो जिनके पास ऑलरेडी वर्ल्ड ऑफ विमेन एन है उनके लिए फ्री मिंट भी है एंड द रीज़न मैं कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने कलेक्शन कवर किया था छः महीने पहले जब ये टू पॉइंट सेवन फाइव इथेरियम का था और ऑफकोर्स आज के डेट में इसकी मिनिमम प्राइस अराउंड टेन इथेरियम के आसपास है तो एंड काफ़ी लोग ने बाय भी किया था कॉमेंट में भी आया था तो ये उनके लिए वीडियो है तो बेसिकली आ, अगर आपने वर्ल्ड ऑफ वीमेन एन एफ बाय किया था अगर आपके पास होल्ड कर रहे हो आप तो जो नया इनका एन एफ कलेक्शन है वर्ल्ड ऑफ वीमेन गैलेक्सी वो आप फ्री में मिंट कर सकते हो राइट right? और बेसिकली मैं पूरा बता देता हूँ कि इसकी पूरा टोटल एन जो है 22,222 टू ट्वेंटी लॉन्च हुई है नई वाली जिसको वर्ल्ड ऑफ वेमन गैलेक्सी बोलते हैं ठीक है बट इसके आगे मैं और को ये भी बताना चाहूँगा कि ये लोग क्यों ऐसा करते हैं क्योंकि कौन से बहुत सारे कलेक्शन ऐसे होते हैं जो इनिशियली पाँच हज़ार एन लॉन्च करेंगे दस हज़ार एन लॉन्च करेंगे फिर बाद में एक दूसरा भी कलेक्शन लॉन्च करते हैं जैसे कि बोर्ड एपी ऑट ने किया था राइट बोर्ड ए पी ने तीन कलेक्शन लॉन्च किया है बाद में अब ऐप कॉइन भी लॉन्च किया था जिसको हमने कवर किया था राइट आज फोर्टीन डॉलर पर ट्रेड हो रहा है एप कॉइन जब ने उस दिन ने लास्ट वीक में कवर किया था जो दस डॉलर में ट्रेंड हो रहा था ट्रेड हो रहा था सो so बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इनका मकसद क्या होता है कि ये जो एन कलेक्शन बाद में लॉन्च करते हैं इनका क्या ये लोग करना क्या चाहते हैं राइट सबसे पहली बात जिनके पास वर्ल्ड ऑफ वेमेन ऑलरेडी एन है उनको क्या करना है उनको यहाँ पे ये साइट पे जाना है ओके okay? फ्री वाला यहाँ पे क्लिक करना है फ्री मीन पे जाना है आपको वा देखो यहाँ पे लिखा रहेगा वर्ल्ड ऑफ वेमेन फ्री क्लेम ये उनके लिए है जिनके पास ऑलरेडी ये वर्ल्ड ऑफ वेमन एक तो एन होगी उनके लिए है राइट तो आप क्लेम कर सकते हो और जो मिनिमम प्राइस जैसे मैं बताया जो नई वाली कलेक्शन है 22,000 जो नई है उसका ऑलरेडी 1.5 पॉइंट इथेरियम में ट्रेड रहा तो मतलब 1.5 पॉइंट इथेरियम का तो ऐसे ही आपको फायदा हो गया ऑल रेडी बिकॉज आपके पास वर्ल्ड ऑफ वेमेन था ओके और काफी लोग ने इसको बाय भी किया था पब्लिक सेल था टेन पब्लिक सेल में था टेन वर्ल्ड ऑफ वेमेन एन होल्डर्स के लिए था 2222 allow list में था, था। तो तो इस तरह से हुआ तो फिलहाल आप बोल सकते हो कि वर्ल्ड ऑफ वेमेन के पास दो कलेक्शन है एक है वर्ल्ड ऑफ वेमेन जेनेसिस कलेक्शन और एक दूसरा है वर्ल्ड ऑफ वेमेन गैलेक्सी जो अभी लॉन्च हुआ है और सेल भी हो गया अब इसके बारे में इसके फायदे क्या हैं आप यहाँ पे देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं जैसे कि ओनरशिप ऑफ द अंडरलाइन आर्टवर्क एंड आईपी आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि से आपके अगर आपको इसका कुछ ब्रांडिंग करना है या फिर कुछ मर्चेंडाइज क्रिएट करना है तो आपको लाइसेंस मिलता है राइट कल को ये बहुत बड़ा ब्रांड बन गया राइट सो so, लेट्स से आप वुमेन का कुछ ब्रांड बना रहे हो तो आप लेट से आपके पास अगर ये एन है तो ये पिक्चर आप यूज कर सकते हो ये फोटोज आप यूज कर सकते हो ब्रांड पे राइट तो आगे जाके ये सब बड़े बड़े ब्रांड बनने की कोशिश कर रहे हैं ना इस बात इस इसके बारे में बात करते हैं कि ये लोग आ, क्यों ऐसे नए नह, नए कलेक्शन लॉन्च करते रहते हैं तो मैंने उस दिन ट्वीट किया था कि भाई ओनली ट्वेन थाउजेंड पीपल इन द वर्ल्ड कैन ओन बोर्ड ए पीआर्ड क्लब सो बोर्ड ए प्यार्ड क्लब का मैं एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ क्यों क्योंकि बोर्ड ए प्यार्ड का ऑलरेडी हम लोगों को पता है हम लोगों ने काफ़ी टाइम पे कवर किया है इनके पास तीन कलेक्शन है बोर्ड ए प्योर्ट क्लब म्यूटेंट ए पी ऑर्ड क्लब और उसके बाद एक केनल क्लब ओके बोर्ड ए म्यूटेंट और एक केनल भी है राइट सो अराउंड थर्टी फोर्टी थाउजेंड एन एफ टीज होती है तो so, बेसिकली होता क्या है कि एन एफ टीज आप एक्सपांड करते हो राइट कलेक्शन एक्सपांड करते हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकें सिर्फ टेन थाउजेंड ही नहीं सो so, यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ वीमेन ने सिर्फ टेन थाउजेंड एट थी अब उसमें ट्वेंटी थाउजेंड और भी लोग जुड़ सकते हैं राइट right? तो कलेक्ट क्या हो रहा है कम्युनिटी बड़ी हो रही है तो बेसिकली ब्रांड एक्सपांड कर रहा है राइट right? तो इसीलिए जो एन एफ हैं ये लोग नया नया कलेक्शन लॉन्च करते रहते हैं और कभी कभी क्या होता है कोई एन एफ कलेक्शन तो कॉइन ही लॉन्च कर देता है जैसे कि यहाँ पे एप ने तो लॉन्च कर दिया हो सकता है कल वर्ल्ड ऑफ भी अपना कॉइन लॉन्च करे या ना करे मुझे नहीं पता बट बता रहा हूं कि आपको बेसिकली इनका आइडिया यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंच सके ये लोग राइट तो ये ऐसा होता है अब ये बात किया जाए कि क्या ये वर्ल्ड ये वर्ल्ड ऑफ वेमेन जो नया कलेक्शन है गैलेक्सी जो वन पॉइंट फाइव में बिक रहा है क्या ये वर्थ वाइल हो सकता है आंसर इज मे बी येस मे बी नो वाई बिकॉज वर्ल्ड ऑफ वीमेन एन एफ टी जो है फिलहाल इसका काफ़ी रेपुटेशन है ये ब्लू चिप एन एफ मानी जा रही है क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे यूगल एप्स ने उन्होंने अपना मेटावर्स जब इन्होंने Uh, जब अनाउंसमेंट किया था तो उसमें वर्ल्ड ऑफ व्यूमेन एनेफ्रीज़ को भी इंक्लूड किया है राइट सो वर्ल्ड ऑफ़ व्यूमेन डेफिनेटली काफ़ी इनका पार्टनरशिप हो रहा है काफ़ी इनका कोलाब्रेशन हो रहा है राइट right? तो हो सकता है कि जेनेसिस के साथ साथ ये जो ये जो कलेक्शन है ये वर्ल्ड ऑफ व्यूमेन गैलेक्सी का भी कीमत लॉन्ग टर्म में बढ़े okay. तो इसीलिए काफ़ी लोग इसमें बाय भी कर रहे हैं अगेन, डू योर ओन रिसर्च लेट मी नो वट यू थिंक अबाउट दिस बट आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि ये जो एग्जिस्टिंग एल एफ टी कलेक्शंस हैं नए कलेक्शंस क्यों लॉन्च करते हैं और आपको आपको एक एग्जाम्पल भी मिल रहा है किसी भी आपका अच्छा अगर प्रोजेक्ट है अगर आप उसको जेनेसिस कलेक्शन आप होल्ड करते हो तो आपको उसके जो फ्यूचर मीट्स होते हैं उसको भी आपको फ़ायदा मिलता है जहाँ पे यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ वूमेन को मिला है ये वाला वर्ल्ड ऑफ वुमेन गैलेक्सी एन मिला है वैसे ही बोर्ड ए को म्यूटेंट ए क्लब मिला था सोचो मतलब जिनके पास बोर्ड ए प्योट था आ, ये वाला उनको ये वाला तो फ्री में मिला था जो ऑलरेडी ट्वेंटी टू का बिक रहा है तो आप देख रहे हो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है अगर अपना अगर अच्छा प्रोजेक्ट आपने मिंट किया हो तो एनी वे लेट मी नो वट यू थिंक लेटमी नो अगर आपने वर्ल्ड ऑफ वेमन होल्ड किया है आल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर गुड नाइट